सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो टैब लेके आया हूँ उसका नाम है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में हम लोग पढ़ेंगे आज थीम के बारे में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, कलर्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, और इसके अलावा हम करेंगे साथ में ही लेआउट, क्योंकि हमारा ये 7 डेज का ऑफिस 2016 का एक प्रोग्राम है। इसमें हम लोग मार्जिन, ओरिएंटेशन लेआउट में साइज, कॉलम्स, ब्रेक, पैराग्राफ और अरेंज टॉपिक को करेंगे। अब देखते हैं कि हम इसको इसी तरह से समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, और इसी प्रकार से अगर हमें इसे समझना हो उपयोग में लेने के लिए तो हम आसानी से इसे उपयोग ले सकें। अब आप देखिए, सबसे पहला है आपके सामने है थीम। थीम को अगर आप देखेंगे तो थीम के अंदर मैंने जो है इसमें अलग अलग तरह की थीम है। साथ में आप इधर नज़र रखिएगा, इस तरफ से स्क्रीन पे आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन, फॉर्मेट इत्यादि चेंज हो रहे हैं। मतलब थीम और टेम्पलेट एक पहले से बने हुए ऑप्शन हैं जिसे हम लोग हमारे वीडियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के और भी कई ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका इफेक्ट आपको जो हमारा करंट डॉक्यूमेंट है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखिए, इसी प्रकार से हम लोग कलर ऑप्शन का भी उपयोग ले सकते हैं, वही कलर ऑप्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जो फॉन्ट दे रखे हैं वो फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं और अपना खुद का नया फॉन्ट भी कस्टमाइज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग जो ऑप्शन है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराग्राफ स्पेसिंग कितने प्रकार की होती है तो आप बता सकते हैं कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड और डबल, इतने प्रकार की हमारी पाई जाती है। और इसमें अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं, जैसे टाइट के अंदर बिफोर 0 पॉइंट होता है तो आफ्टर 6 पॉइंट होता है, इसी तरह से लाइन स्पेसिंग उसके अंदर 1.15 होती है। इस प्रकार से सभी के अंदर जैसे कि ओपन में 0, 10, 1.15 है, ये फ़र्क होता है। आप चाहें तो कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग में जाकर, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, वो आप पैराग्राफ का बिफोर और पैराग्राफ के आफ्टर वाले को आप लोग बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लाइन स्पेसिंग को बदलना चाहें तो लाइन स्पेसिंग को भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट और ये साइज चेंज करना मैंने आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब आप देखिए, इसके बाद हमारे पास इफेक्ट ऑप्शन है, ये तभी काम करेंगे जब हम पेजेस का उपयोग लेंगे, तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के पिक्चर के साथ इफेक्ट दे सकते हैं। अब आप देखिए, इसे हम सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसे उपयोग ले सकें। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आप ध्यान रखेंगे कि वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, तीन ऑप्शन पाए जाते हैं पेज बैकग्राउंड में। तो अगर हम लोग बात करते हैं वाटरमार्क की, तो वाटरमार्क होता है कि अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो अगर आप उस नोट्स के अंदर अपने जो आईटी कंपनी है या जो आपकी ट्यूशन सेंटर है उसका अगर आप नाम डालना चाहें तो बैक साइड में इस तरह से कॉन्फिडेंशियल आ सकता है। अगर आप उसे चेंज करना चाहें तो वाटरमार्क पर क्लिक करने के बाद आप कस्टम वाटरमार्क करके आप उसके टेक्स्ट को बदल सकते हैं, उसके साथ में फॉन्ट को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं और उसके डायगोनल या हॉरिजेंटल साइज या शेप बदल सकते हैं। इसी तरह से वाटरमार्क के बाद में पेज कलर है, आप चाहें तो पूरे पेज के लिए आप अलग सा कलर डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बदलाव हो रहा है। पेज बॉर्डर भी मैंने जस्ट अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, हमारा 2nd डे के वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग पैराग्राफ पे तो बदलाव करते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आर्ट के अंदर जाकर आप पूरे पेज पर भी इफेक्ट दे सकते हैं, ये आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरह से ये हमने आज जो टैप किया है, ये हमारा टैब था डिजाइन टैब। अब आप देखिए, ये सब ऑप्शन करने के बाद में हम लोग आते हैं लेआउट टैब पे। लेआउट टैब के अंदर हमारे ऑप्शन है, सबसे पहला मार्जिन ऑप्शन है। मार्जिन ऑप्शन के बारे में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ये बन सकता है कि कितने प्रकार के मार्जिन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर और ऑफिस 2003, जो कि ऑफिस 2060 के अंदर ऑप्शन अलग सा दे रखा है। तो नैरो के अंदर 1.27 सेंटीमीटर रखा जाता है सब तरफ से, जबकि नॉर्मल में 2.54 सेंटीमीटर का बदलाव रखा जाता है, और वाइड के अंदर अलग अलग आपके ऑप्शन में बदलाव रहता है, टॉप बॉटम में 2.54 रहता है, जबकि लेफ्ट में और राइट में 5.08 रहता है। अब आप देखिए, कस्टम मार्जिन के द्वारा आप मार्जिन में भी बदलाव, टॉप, लेफ्ट,
और बॉटम और राइट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है गुटर पोजीशन। हाँ जी, पूछा जा सकता है कि गुटर पोजीशन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि आप गुटर पोजीशन को लेफ्ट और टॉप दो जगह पे दे सकते हैं। गुटर पोजीशन की अगर आपने बढ़ाया है तो आप जो बाइंडिंग करी हुई फाइलें होती हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो बाइंड करे हुए के अंदर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा कि हम उसको कैसे रहे। इसी तरह से ओरिएंटेशन में भी आप लोग बदलाव कर सकते हैं कि आप उसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस प्रकार का आप रखना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमने मार्जिन किया है। मार्जिन के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन ओरिएंटेशन, जो अभी मैं आपको बता ही रहा था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका हो गया है। तो ये कस्टम मार्जिन हमारा ऑप्शन है। इसके अलावा इसके अंदर इसको हम बोलते हैं पेज सेटअप ऑप्शन। इसमें हमारा पेपर भी आएगा। पेपर में आपके जो साइज दे रखे हैं वो साइज़ के अलावा अगर आप कोई खुद का साइज़ डिसाइड करना चाहें तो विड्थ और हाइट के अंदर आप साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो आपका प्रिंटर है उसके अंदर दो प्रकार की ट्रे होती है, उनको आप ऑटोमेटिकली या मैन्युअली आप हाथों से पेज प्रिंट आउट के लिए दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो लेआउट ऑप्शन है, ये मेरे वीडियो हेडर और फुटर के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं, जिसमें आपको समझाया गया है कि अलग अलग हेडर, ओड और इवन पेजेस पे आप रख सकते हैं, और फर्स्ट पेज के लिए भी आप हेडर और फुटर अलग से डिसाइड कर सकते हैं। हेडर और फुटर के साइज़ को भी आप बदलाव यहाँ पर कर सकते हैं। अब आप देखिए, साइज़ के अगर अंदर आते हैं तो पेपर के साइज़ कितने प्रकार के होते हैं या निम्न में से कौन सा साइज़ नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे लेटर है, लीगल है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4, B5 और इसी तरह से हमारे इसके अलावा जो B6 है, आर्क भी इस तरह से ऑप्शन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादातर जो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं वो आप A4 का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये पूछा जा सकता है A4 का साइज़ कितना होता है, तो आप 29.7 × 42 सेंटीमीटर इसका 21 × 29.7 सेंटीमीटर इसका साइज़ रहता है, जो कि A3 का 29.7 × 42 सेंटीमीटर रहता है। इसी तरह से लेटर का 21.59 × 27.94 सेंटीमीटर रहता है। इसी प्रकार से अगर आप कॉलम है, आप इसको न्यूज़पेपर स्टाइल के अंदर अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 लेफ्ट और राइट तो इसमें दे रखे होते हैं कॉलम। आप एक्स्ट्रा कॉलम लेना चाहें तो मोर कॉलम के द्वारा आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 कॉलम लेने से ये जो आपका पेज है ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये जो हमने यहाँ पर लिया, इसको लेने के बाद मैं कॉलम में गया और मैंने यहाँ पर 2 कॉलम इसके ऑप्शन को कर दिया, तो ये हमारा इस प्रकार से जो हमारा फॉर्मेट है उसको ये 2 कॉलम के अंदर डिवाइड कर देगा। देखिए, 1 कॉलम ये आ रहा है, 1 कॉलम ये आ रहा है। अगर आप कॉलम के बारे में मोर कॉलम में जाते हैं तो इसमें लाइन बिटवीन मिलेगा, जिसके द्वारा आप कॉलम के बीच में लाइन भी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आप अगर कॉलम के बीच में लाइन देना चाहें तो आप लाइन उसके अंदर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये आप जो लाइन कॉलम के अंदर हमारे जो ऑप्शन है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलम की संख्या कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो आप यहाँ पर 12 कॉलम तक इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लाइन बिटवीन का यूज करते हैं तो ये बीच में आपको इस तरह से एक लाइन इसके अंदर दिखाई देगी। अब आप देखिए, यही सेम चीज़ कॉलम के बाद में हम अगर मोर कॉलम में नंबर ऑफ संख्या अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मान ली मैंने 16 डाला, तो ये आपको बता देगा कि मैक्सिमम आप 12 कॉलम इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये इक्वल कॉलम विड्थ के लिए अकॉर्डिंग टू मैंने साइज आपको बताया है। अब आप देखिए, नेक्स्ट जो चीज़ है वो कॉलम के बाद में हमारा ब्रेक है। ब्रेक में पेज ब्रेक मैंने पिछले वीडियो आपको बताया था, इसके 2 डिवाइडेशन करने के लिए जिस जगह पे आपका कर्सर है वहाँ पे ये 2 डिवाइडेशन कर देगा, और इसी क्रम में आपका जो लिखा हुआ मैटर है उसे आप इस कॉलम से पास वाले कॉलम में अगर आप भेजना चाहते हैं तब आप ब्रेक में जाकर आप कॉलम ब्रेक ऑप्शन का यूज करेंगे, जिससे इधर का मैटर आपको इस तरफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉलम ब्रेक। इसी क्रम में अगर आप लोग यूज करते हैं लाइन नंबर का, तो वो देखिए कैसे काम करेगा। लाइन नंबर के लिए जैसे मैं लाइन नंबर पे गया और मैंने कंटिन्यूस कर दिया, तो यहाँ पर लाइन नंबर आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लाइन नंबर में भी अगर आप प्रत्येक पेज के लिए अलग रखना चाहते हैं, प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग रखना चाहते हैं, तब भी आप उसे रख सकते हैं।
इसी तरह से अगर आप जो आपके लाइन नंबर साइड में आ रहे हैं, अगर आप उस लाइन नंबर को हटाना चाहते हैं तो लाइन नंबर में जाकर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करने से वो लाइन नंबर उस पैराग्राफ के लिए शो नहीं होंगे। इसी क्रम में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो पेज है वहाँ पर दो प्रकार के पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन आ जाए, और इसी प्रकार से आपके ऊपर तो सिंपल आ जाए और नीचे कॉलम टाइप का आ जाए, तो ये तभी हो सकता है जब आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप ब्रेक में जाकर सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस ऑप्शन का उपयोग लेंगे। सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस ऑप्शन के बाद जब आप कॉलम में जाकर टू कॉलम करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर आपको दो प्रकार के कॉलम स्टाइल आपको दिखाई देने हो जाएंगे। ये तभी हो सकता है, जैसे कि मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर ये इस तरह से आ रहा है, यहाँ टू कॉलम स्टाइल में आएगा, या आधा पेज पोर्ट्रेट और आधा पेज लैंडस्केप आपको रखना हो तब आप इस ऑप्शन का उपयोग लेते हैं। इसी क्रम में आप देखिए हाइपरनेशन का मैं उपयोग आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने जो मैटर जो लिखा है उसके अंदर आपके पेपर के पेज के साइज के अकॉर्डिंग आप उसको दो टुकड़ों में अक्षर को बदलना चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक का उपयोग लेकर उसके पेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक डैश का सिंबल आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं हाइपरनेशन। ये ऑटोमेटिक भी दिया जा सकता है और इसे हम मैनुअली भी दे सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो इंडेंटेशन है। ये लेफ्ट और राइट से अगर आप इसे देखिए, आप ऊपर इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक हैंगिंग इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट है, ये हमारे फर्स्ट पेज के लिए आता है। जैसे कि मैंने इसको उठा के अगर मैं इधर से इधर इसको ड्रैग करूँगा तो पैराग्राफ के फर्स्ट पेज पे आने के बाद में मैंने अगर इसे ड्रैग किया तो ये यहाँ से मूव करेगा यहाँ पर, ये देखिए पेज यहाँ तक मूव कर गया। और इसी तरह से राइट साइड में भी आप इसको बिना क्लिक करे अगर आप इसको पकड़ के फर्स्ट माउस बटन को अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से भी इसके अंदर बदलाव आपके पेज के अंदर आ जाएगा, ताकि ये जो इंडेंटेशन है, ये देखिए मुझे थोड़ा सा इसको ड्रैग करना पड़ा, अब ये इस तरफ आपके शो होना शुरू हो गया है। तो ये राइट और लेफ्ट इंडेंट, और ये जो फर्स्ट जो पेज होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, जो भी आपका पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन को बदलने के लिए इसका उपयोग लेते हैं। एक होता है हैंगिंग इंडेंट, जहाँ पर फर्स्ट लाइन तो वहीं रहेगी और नीचे वाला जो है वो चेंजेस होता है, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। इसी पैराग्राफ में जाकर आप इंडेंटेशन को बदल सकते हैं, पैराग्राफ के पहले और बाद के स्पेसिस को यहाँ पर बदल सकते हैं, लाइन स्पेसिंग जो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में समझाया है वो चेंज आप कर सकते हैं। आप इसी क्रम में आप देखिए आपके नेक्स्ट जो ऑप्शन इसमें आ रहे हैं वो पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे वो आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर हम रिवीजन करना चाहें तब हम इसका देखिए कैसे रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप देखिए। सबसे पहले हम इसके लिए हमें इंसर्ट के अंदर जाना है, अगर हम पिक्चर में गए हैं तो हम पिक्चर में जाकर यहाँ से किसी भी पिक्चर को, जैसे कि मैं ERO नेट में जाकर मैंने इस पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, इसी प्रकार से एक और पिक्चर सेम इंसर्ट करनी हो तो मैं पिक्चर में जाकर, अगर मैं दूसरी तरह की कोई पिक्चर लेना चाहता हूँ तो मैं दूसरे फोल्डर में जाकर मैं सेकंड जो पिक्चर है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब आप देखिए ये दो पिक्चर आपके सामने आ गई है। अब आप लेआउट में जाएंगे, जो बचे हुए ऑप्शन है जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, फिर आप रैप टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और इसमें अगर आप टाइट, थ्रू, स्क्वायर, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, ये ऑप्शन अगर आपसे पूछे जाए रैप टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं तो आप ये इस तरह से बता सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए भी हम लोग ये सेम ऑप्शन स्क्वायर, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम इत्यादि, बिहाइंड टेक्स्ट इत्यादि उपयोग ले सकते हैं। मतलब हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड के बदले सेंड बैकवर्ड इसको अगर करता हूँ तो ये पिक्चर इसके ऊपर आ जाएगी, इसके बैक साइड में चली जाएगी, और चाहूँ तो इनकी पोजीशन भी मैं चेंज, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस तरह से मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ। इसी प्रकार से इसका सिलेक्शन पेन जो है वो अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बता देगा कि पिक्चर वन और पिक्चर टू दो हमारी पिक्चर है, अगर किसी पिक्चर को आप नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे हाइड कर सकते हैं। और ये हमारा अलाइनमेंट है जिसमें अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल इत्यादि आप इसमें ऑप्शन में बदलाव इसके अंदर कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हमारा जो कल का ऑप्शन थे वो भी हमने रिवाइज किए,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज हमारे ऑप्शन हमने किया डिज़ाइन और लेआउट, ये हमारा थर्ड वीडियो है। पिछले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।